फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ काजू कतली की एकदम दुकान जैसी रेसिपी, जिसे बनाने के लिए ना घी चाहिए, ना मावा, ना चाशनी, ना मलाई। एकदम हलवाइयों जैसी ये काजू कतली बनकर तैयार होगी सिर्फ दो चीजों से। एकदम शुद्ध चीज आँखों के सामने घर में आसानी से इस रेसिपी को आप सभी लोग बना सकते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल घर की रसोई विद सुनीति सरकार में। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल आसान से ये काजू कतली की रेसिपी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और उसमें लेंगे दो कप काजू। काजू आप कोई भी ले सकते हैं, हमने समूचा काजू लिया है, आप टूटे हुए काजू भी ले सकते हैं। तो इन काजुओं को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे पानी से हम धो लेते हैं। आप कोई भी एक कटोरी की नाप बना लें, उसी नाप से काजुओं को ले सकते हैं। तो अब चलते हैं, पानी लेते हैं और इसको अच्छे से धो लेते हैं ताकि जो गंदगी है उसकी, वो काजू की, वो साफ़ हो जाए। तो ये तरीका आपको बिल्कुल नया लग रहा होगा ना, तो ये तरीका सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हलवाई लोग इसी तरीके को अडॉप्ट करते हैं। इस दिवाली आप काजू कतली बनाकर घर में जरूर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाती है और पाउडर पीसने का झंझट भी नहीं है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भी पीस सकते हैं। तो काजू अच्छे से धुल गया है, उसमें हमने तीसरी बार में पानी डाल दिया है और आधा कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध डालकर 2 घंटे के लिए इसे भीगने के लिए रख देंगे। तो ये लीजिए, 2 घंटे हो गए हैं, काजू अच्छे से भीग गया है और एक काजू हम निकाल कर आपको दिखाते हैं कि कितना बढ़िया ये काजू भीग कर तैयार हुआ है। तो ये देखिए, हाथों से दबाने में ये देखिए काजू अलग हो जा रहा है, बहुत ही बढ़िया से ये काजू भीग कर तैयार हो गया है। तो इस बाउल को थोड़ा सा किनारे कर देते हैं और ये हमने लिया है मिक्सी जार और आधा कप हमने चीनी ली है, इसको हम पहले पीस लेते हैं। अगर आपके पास पहले से ही चीनी पिसी हुई है तो कोई झंझट ही नहीं है, उसी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये लीजिए, चीनी पिस गई है, इसको प्लेट में पलट दिया है और इसको साइड में कर देते हैं। तो फिर से उसी जार में हम जो काजू भिगोया है उसको हम डाल लेते हैं। एक साथ ज़्यादा सा काजू नहीं पीसेंगे, आधा काजू हमने जार में डाल दिया है और 2 चम्मच उसमें हमने दूध डाला है। और ये लीजिए, काजू का पेस्ट पिस गया है, एकदम बढ़िया सा बारीक पिसा है, बस हल्का सा दरबरा रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो ये लीजिए, पेस्ट पिस गया है, इसको हमने पैन में पलट लिया, जिस पैन में हमें काजू कतली को बनाना है उसी में हमने पलट लिया है। सेम तरीके से बचा हुआ काजू था उसको भी जार में डालकर हमने पीस लिया है और उसी तरह का पेस्ट बना लिया है और पैन में इसको भी हम पलट लेंगे। तो ये लीजिए, सारा काजू का पेस्ट हमने पलट लिया है पैन में और ये जो बचा हुआ पानी है, दूध पानी काजू का भीगा हुआ, इसको हम फेंक देंगे या आप आटे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लीजिए भाई, काजू का पेस्ट एकदम तैयार हो गया है पीस कर। तो इसमें जो हमने चीनी पीस कर रखी है उसको हम पलट देंगे और स्पैचुला से अच्छे से काजू के पेस्ट में इस चीनी को मिक्स करेंगे। गैस पे चढ़ाने से पहले ही हमें ये काम कर लेना है, चीनी को अच्छे से काजू के पेस्ट में मिक्स कर देना है। और अब हम लेंगे मिल्क पाउडर, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे बिल्कुल भी मिक्स ना करें, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है और इसको भी चीनी की तरह थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर देंगे। ये काम भी हमें गैस पे पैन चढ़ाने से पहले ही करना है ताकि कोई भी इसमें गांठें ना पड़ने पाएँ। तो चीनी और मिल्क पाउडर हमने काजू पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसको गैस पर हमने चढ़ा दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखें, लो टू मीडियम रखना है और इस पर बराबर इसे स्पैचुला से चलाते रहना है, नहीं तो गांठें पड़ सकती हैं। अगर आपके हाथ में दर्द होने लगे तो आप गैस की फ्लेम को एकदम सिम कर दें और सिम गैस पर थोड़ी देर इसको इसी तरह से चलाते रहें। बस 10 मिनट के बाद ही ये देखिए बिल्कुल ये गाढ़ा होने लगेगा, पहले से अब में आपको अंतर लग रहा होगा, ये पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। जब तक कि ये पैन छोड़ने ना लगे तब तक कि आप इसे इसी तरह से चलाते रहें। जब ये पैन छोड़ने लगेगा तो समझ जाइएगा कि ये काजू कतली बनाने के लिए पेस्ट एकदम रेडी है। तो ये लीजिए, हल्का सा एकदम गाढ़ा हो गया है ये पेस्ट,
तो अब इसे चेक कर लेते हैं कि ये काजू कतली बनाने लायक हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए गोली बन गई है, हाथों में बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। तो ये पेस्ट एकदम रेडी है काजू कतली बनाने के लिए। काजू कतली बनाने के लिए पेस्ट रेडी है या नहीं रेडी, इसके लिए जैसे ही स्पैचुला में बिल्कुल भी ये चिपकना बंद कर दे पेस्ट, तो समझ जाइए कि ये काजू कतली बनाने के लिए पेस्ट एकदम तैयार है। तो गैस की फ्लेम हमने बंद कर दिया है और फिर भी इसे स्पैचुला से 2 मिनट तक चलाते रहना है ताकि पैन जो गर्म है वो उसमें पेस्ट चिपकने ना पाए। तो पैन को हमने साइड में रख दिया है और एक चका लिया है या कोई आप थाली भी ले सकते हैं और आप पन्नी ले लें उसके बाद, और या आप बटर पेपर ले लें, उसमें थोड़ा सा घी लगाने के बाद पेस्ट को बटर पेपर में पलट लेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से इसको हम एक डो के रूप में सेप देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया चिकनाहट आ जाती है और काजू कतली बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए ये डो को हमने लोई के रूप में तैयार कर लिया है और चलते हैं अब इसे बेल लेते हैं। तो बेलन में हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है, अगर आप नहीं भी लगाते तो भी इसे आसानी से बेल सकते हैं क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा खुद ही घी निकला है कि बेलन में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और इसे हमें एक चौकोर शेप में बेलना है और थोड़ा थोड़ा सा साइडों से चौकोर करते हुए इसे हमें चौकोर बेलकर हमने ये तैयार कर लिया है। वाओ, बहुत ही बेहतरीन सा ये बेलकर तैयार हो गया है। तो अब इसमें बरक लगा लेते हैं, अगर आपके पास असली वाला बरक हो तभी आप यूज़ करें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। घर में बरक की कोई ज़रूरत लगाने की नहीं होती है, मेरे पास था तो हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं और इसे लगा देते हैं। काजू को बिना भिगोए काजू कतली कैसे बना सकते हैं, अगर आप इस रेसिपी को देखना चाहते हैं तो लिंक पे जाकर उस रेसिपी को आप देख सकते हैं। इसके अलावा मलाई लड्डू और भी मिठाइयों की रेसिपीज अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक पे जाकर उन रेसिपीज को भी आप देख सकते हैं जो आप बहुत ही आसानी से बनाकर घर में तैयार कर सकते हैं। वरक लगाने के बाद इसको थोड़ी देर हमें छोड़ देना है, लगभग आधे घंटा, और आधे घंटे के बाद इसे चाकू की मदद से हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसे सीधी लाइनों में कट कर लिया है, उसके बाद स्केल को एक कोने से दूसरे कोने तक रखकर हमें बराबर से कट करना है। पहले हल्का सा चाकू से निशान लगा लें, उसके बाद चाकू से इसे कट करें, और बराबर लाइनों से अगर आप कट करते हैं तो ये कतलियाँ बिल्कुल साइज़ बिल्कुल कतली का एकदम सटीक बनेगा। तो इस तरह से आप काजू कतली को बहुत ही आराम से अच्छे से कट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप काजू कतली को कट करते हैं तो बहुत ही आसान तरीका ये काजू कतली कट करने का है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप आए हैं काजू कतली के। तो इस तरह से आप अगर कट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया ये काजू कतली बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए कितना बढ़िया शेप आया है, बिल्कुल लग रही ना मार्केट जैसी। तो इस तरह से अगर आप काजू कतली बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया ये काजू कतली बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले जो काजू कतली के किनारे पे जो छोटे छोटे कट लग गए हैं ये इसको हम प्लेट में अलग से किनारे से निकाल लेते हैं, और ये देखिए तोड़कर दिखा रहे कितना बढ़िया सॉफ्ट ये काजू कतली बनकर तैयार हुई है। तो इस दिवाली आप काजू कतली बना रहे हैं या कोई और मिठाई बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। तो साइडों से देखिए लग रही ना बिल्कुल काजू कतली एकदम मार्केट जैसी, आ गया ना मुंह में पानी। तो इस काजू कतली को कब बना रहे हैं आप, जल्दी से ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर चैनल पे नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पास में बेल है उसे ऑल पे कर दीजिएगा ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस दीपावली भाई दूज की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी दिवाली, आप सभी स्वस्थ रहें मस्त रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।